वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हिन वक़्त असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर ऐं यकीनन ॼातल सुञातल वकील आहिनि यासीन आज़ाद साहब। यासीन साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और क्योंकि ब्रेक से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, कल पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि जी ना सदर साहब जो है वो मेमो पे जवाब देंगे और ना ही कहते हैं कि हम स्विस हुकाम को कोई ख़त लिखेंगे। तो अब एक ये टकराव की सिचुएशन जो पहले कह रहे थे ना कि ये एंकर्स खामखा अफवाहें फैला रहे हैं, अब वो बातें खुल के सामने आ गई हैं। आप किस तरह देख रहे हैं दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है? यकीनन सुप्रीम कोर्ट तो आइन और कानून की बात कर रही है और गवर्नमेंट बात भी करती है, एहतराम की बात भी होती है, तो अभी ये किस किस्म का माहौल बनता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए सर, बात तो इसलिए है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कुछ कहने का। जो सूरत आल है, जहाँ तक टकराव का तल्लक है ना, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त टकराव की तरफ जा रहे हैं मेरे अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक। ठीक। और बहस ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के, मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये टकराव की जो सूरत आल है इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए, क्योंकि टकराव की वजह से जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी आवाम का होगा। तो बहसीत पाकिस्तान के शहरी की हमारी ये कोशिश ही होनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें कोई मौका दिया तो इस सिचुएशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में कंट्रोल करें। जहाँ तक इस सिचुएशन का ताल्लुक है, जैसे कि अभी आपने बताया कैबिनेट का क्या फैसला क्या नहीं है, मेरा तो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है कि लेटर लिख दें तब भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हासिल है। रिप्लाई देने का जहाँ तक ताल्लुक है, प्रेसिडेंट को रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसा भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक। तो लामाला फेडरेशन ने जवाब देना है। अब फेडरेशन क्या उसने फैसला अगर ये किया कि जवाब नहीं देना, तो उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी सिचुएशन किन ग्राउंड पर उन्होंने ये कहा, तो ये तो सूरत हाल चुके ऑलरेडी कोर्ट ने एक फिक्स डेट दी हुई है 10 तारीख की। तो अब 10 तारीख को फेडरेशन की तरफ से जो नुमाइंदा वहाँ जाके खड़ा होता है वो क्या स्टैंड लेता है, जो कैबिनेट ने फैसला किया उस पर स्टैंड करता है या कोई और स्टैंड जाके लेता है, जो कि कैबिनेट के फैसले के बाद ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेडरेशन को। ठीक। तो अटॉर्नी जनरल उनको क्या एडवाइस करते हैं क्या नहीं करते ये तो डिपेंड करता है उन पर। ठीक। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शुरू से ही अगर लेटर लिख देते तो चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग तो हो नहीं सकती जब तक वो प्रेसिडेंट है, तो जब प्रोसीडिंग नहीं हो सकती लेटर लिखने से भी मेरे नज़दीक कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन सर देखिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है एबटाबाद कमीशन का, उन्होंने भी एक सवालनामा भेजा और कहा गया कि जी हमने एज अ को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको इस हैसियत से ये सवालनामा भेजा है। लेकिन फिर जो इम्यूनिटी की आपने बात की उस पर भी ज़रा थोड़ा अगर आप नज़रसानी करें कि इम्यूनिटी इन व्हाट सेंस, और जैसे जस्टिस साहब ने कहा था हेयरिंग के दौरान रिमार्क्स देते हुए कि जी इस्तिस्ना के लिए भी कोर्ट से रुजू करना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो उस पर क्या इस पर कोई कानून में है कोई ऐसी बात? आइन में बिल्कुल क्लास क्लियर मौजूद है कि वो कहीं उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, किसी भी केस में नहीं हो सकती, किसी भी केस में प्रोसीडिंग, सिविल हो क्रिमिनल हो कोई भी, किसी भी जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। राइट। अब उसमें परमिशन लेना ना लेना, चूंकि मेमो गेट वाले मामले में मेरे ख्याल में इन्होंने कहा या जो भी है जी मेमो वो एक डिफरेंट है। इसी में तो आपने देखा कि लोअर हाई कोर्ट ने उन पर यह भी पाबंदी लगाई है कि आप जो है ना दोनों अहदों को एक्सरसाइज ना करें। ठीक है ना। और उसके बाद भी लाड़काना में जो उनका फंक्शन हुआ मोहतरमा की जो बरसी थी उन्होंने एड्रेस किया। सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो सदर पाकिस्तान हैं। ठीक। और पब्लिक ने उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया, फिर जिस आइन का बार बार हम हवाला देते हैं वही आइन उनको इम्यूनिटी दे रहा है। तो अब फेडरेशन ये स्टैंड क्यों ले रही है क्यों नहीं ले रही है ये तो जाहिर है मैं उनका वकील तो हूँ ना, उनका मैं ब्रीफ होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि अब ये स्टैंड क्यों ले रहे हैं। ठीक। डिस्कशन सिंपल यही है कि जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको मीट करने के लिए या इदारों को क्राइसिस से निकालने के लिए क्या रास्ता निकाला जाए। ठीक है सर। ठीक। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर हम 1973 का आइन के मुताबिक अपने आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें
तमाम इदारे ठीक इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, क्या, क्योंकि आइन के अंदर लिमिटेशन मुकर्रर है। अगर तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करेंगे तो इदारों के दरमियान किसी किस्म का क्लैश नहीं होगा। ठीक, लेकिन कोई भी इदारा अपनी आइनी हदूद से जब तजावज़ करेगा तो फिर क्लैश होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्लैश होता है तो नुकसान किसका है? पूरे पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी लोगों का है। वैसे भी हमारा मुल्क खतरा से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और फिर हमारे अंदरूनी हालात भी अगर जब इतने ख़राब हो जाएं, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल आए तो फिर आप बताएं हम कहाँ खड़े हैं। फिर एक चीज़ जो मैं आपसे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरे 65 जो हिस्ट्री का पीरियड है उस हिस्ट्री को उठा के देखें तो आपने पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मौका कितना दिया गवर्नमेंट करने का? सही, अब तो दिया ना सर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मौका कितना दिया? किसी हद तक जुल्फकार अली भट्टो साहब ने अपना पीरियड पूरा किया। पाकिस्तान के अंदर जितनी मूवमेंटें चली, रिजल्ट उसका आपके सामने है। अब जो मौका दिया, तो इस मौके की वजह से मैं एक बात कहता हूँ कि कम अज़ कम 3.5-4 साल तो हमने बर्दाश्त किया ना उनको। अब उनका पीरियड अगर 1 साल का, आज देखें बड़ी तब्दीली आई है। आज उन्होंने कहा कि हम सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले करा रहे हैं और इसी साल इलेक्शन भी करा सकते हैं। तो ये जो इसी साल इलेक्शन की बात की गई, ये प्रेशर की वजह से की गई ना, आवाम के प्रेशर की वजह से। देखें, दो चीज़ें हैं, जमहूरियत और इलेक्टेड गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अगर इस गवर्नमेंट को मुकम्मल जमहूरी हुकूमत नहीं कहते, मेरा तो अपना ज़ाती कंसेप्ट यह है कि पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो खुद जमहूरियत जमहूरी सिस्टम पे बिलीव करती है अपनी पार्टी के अंदर? ठीक, जो पार्टी का हेड बन जाता है उसके खिलाफ दो जुमले अगर कोई बोलेगा तो आप ये कह के उसको कहते हैं कि आप हमारी पार्टी छोड़ दें क्योंकि आपके व्यूज़ हमारे साथ मिलते जुलते नहीं। या पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर साल इलेक्शन करा के अपना नुमाइंदा चुनती है? जो भी है, जब इंतखाबात इस मुल्क में होते हैं तो आप किसी न किसी पार्टी को इलेक्ट करते हैं, राइट सर? तो मैं ये कहता हूँ, मेरा जो अपना कंसेप्ट है और बीइंग ए प्रेसिडेंट मैं हर जगह इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, जो 5 साल का पीरियड है, आपने 3.5 साल बर्दाश्त कर लिया। मैं कहता हूँ जो भी सूरत हाल है इसको बर्दाश्त करें ताकि वो आवाम जिन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट किया और वो जाके हुकूमत में बैठी, क्योंकि मेरे नज़दीक इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की कोई जमात नहीं है। लेकिन यासीन साहब सवाल ये उठता है, देखिए मामले कितने सेंसिटिव है। अगर आप जैसे आपने कहा कि जी एक लेटर लिख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्राइसिस से बचते। देखिए ना, हमने एक हमारी हुकूमत ने चीज़ों को अना का मसला तो बनाया हुआ है और इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आप नहीं है। लेकिन आपको ये रिमार्क्स भी याद होंगे जस्टिस चौधरी के कि जी अगर कोई इल्ज़ाम का जवाब दाखिल ना करे तो इसका मतलब कि वो एतराफ़े जुर्म कर रहा है, ये कहा था उन्होंने। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं उनका, ये बिल्कुल उन्होंने कहा था। और क्योंकि हम तो सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि सिविल लॉ का कंसेप्ट भी यही है या क्रिमिनल लॉ भी है कि कोई आदमी अपने डिफेंस में अगर नहीं जाता तो जाहिर है कि उसका रिजल्ट जो है ना वन साइडेड चलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एज ए को चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? नहीं, देखें दो दे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि एज ए प्रेसिडेंट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन लेकिन अगर उनका कोई एक्शन एज ए को चेयरमैन है तो आप उस एसियो से चले जाएं, प्रेसिडेंट का वर्ड जो उनके साथ इस्तेमाल करना है मत करें और कहें कि एज ए को चेयरमैन ये गलत काम किया है। फिर वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं एज ए को चेयरमैन हूँ या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ। क्योंकि लोअर हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद पाबंदी तो है ना, बिल्कुल, लोअर हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये बात तो तय हो गई ना कि सदरे पाकिस्तान जो है वो दोनों उदों में से एक को एक्सरसाइज करेंगे। सही, और अगर कोई इस टाइप की बात है तो फिर मतलब वो जलसे में जाएं, जलसे में जाएं तो वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है नहीं, और अगर मेमो का जवाब देना पड़े तो वो सदरे पाकिस्तान में जलसे में भी वो अगर गए हैं तो वहाँ भी नहीं, वहाँ भी सदरे पाकिस्तान का जुमला इस्तेमाल किया गया। मैंने पूरी प्रोसीडिंग देखी है, मतलब कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। नहीं, कंटेम्प्ट अगर है जजमेंट के मुताबिक तो फिर प्रोसीड करें। सही, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है कि अब मैं एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, हम आइन की बार बार रट लगाए हुए हैं। हमारे 1973 के आइन में ये था
कि पाकिस्तान की सरकारी जबान 20 साल या 15-20 साल के अंदर सरकारी जबान उर्दू हो जाएगी। ठीक, आयन बने हुए 40-42-45 साल हो गए, क्या आपने आयन की उस क्लास पे अमल किया? नहीं किया। आयन का प्रियम्बल यह है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून नहीं होगा। आप तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर अमल नहीं किया। कहा किसी ने इस पर आवाज़ बुलंद की कि भाई प्रियम्बल जो है आयन का वो ये कहता है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्ना के अलावा कोई कानून नहीं होगा। इस्लामी इंजेक्शन के मुताबिक हुकूमत होगी, नहीं हुई, लिहाजा इसको डिक्लेयर कर देंगे, इसकी कोई अब जरूरत नहीं रही। ठीक, मेरा मतलब है आयन के अंदर कई ऐसे आर्टिकल हैं, या मसलन आर्टिकल 62-63 है, क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर मेंबर नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। आप ये बताएं कोई आदमी उस मेयर पे बराबर उतरता है? सही, लेकिन उसके साथ साथ एनआरओ पे भी कुछ हमें बता दें कि अब तो मामला, आपने कहा ना कि जैसे 10 जनवरी को एक्शन की बात की गई है, तो एनआरओ पे तो गवर्नमेंट ने कल पीपल्स पार्टी ने कह दिया, आज इत्तेहादियों के साथ मुशावरत भी हुई, यकीनन यही बातें जो ज़राए बता रहे हैं कि डिस्कस हुई हैं, तो अब तो ये एक खुला तजाद खुल के सामने आ गया। मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, एग्जीक्यूटिव को उसको मानना है, तस्लीम करना है, और अगर तस्लीम ना करे तो? ना करे तो कोर्ट के पास कंटेंप्ट प्रोसीडिंग का इख्तियार है। तो फिर बात कहाँ तक जाएगी? जी, बात कहीं भी नहीं जाएगी, कंटेंप्ट प्रोसीडिंग होगी अगर कोई सूरत आला आएगी। देखिए ना, आप फॉर एग्जांपल कोर्ट के अंदर एक केस दाखिल करते हैं, आपने 10 करोड़ का एक सूट फाइल कर दिया। ठीक, कोर्ट पहले आपके फेवर में जजमेंट देगा ना, तो जजमेंट देने के बाद उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक और ला है। ठीक, वो ला कौन सा कहलाता है? एग्जीक्यूशन का ला कहलाता है। फिर आप एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं और एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह कोई भी जजमेंट है उसको प्रोसीजर तो अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, प्रोसीजर अडॉप्ट करें। आप 10 तारीख का वेट कर लें कि वहाँ आप क्या स्टैंड आता है, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह हम लोग यहाँ बयान बड़े बड़े देते हैं, कोर्ट में जाने के बाद सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल, या अभी जिस तरह बाबर आवान साहब वाला इंसिडेंट हुआ, उसी पे बात करें। ब्रेक ले लूँ, एक ब्रेक ले लेते नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम एक शॉर्ट ब्रेक, जो यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं, ब्रेक का पो यासीन आज़ाद साहब से वधी गाल्हि ॿोल्हि कंदा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।